सो यार इसका आज एक और मेट आने वाला है, इसको खेलने का मजा ना आया। ओ भाई साहब, धन लक्ष्मी यंत्र भी हम अपने साथ लेके आए हैं। तो यहाँ पे एसी नहीं है पेट शॉप में, सो उसको फिलहाल गाड़ी में बिठा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आए हैं अपने शेर के लिए फीड लेने और आइटम्स लेने के लिए आए हैं। फाइनली मैं अपने डॉग के लिए लाया क्या क्या हूँ वो देखो, अपना जफर भूंका यार पूरा। दीदी कैसा लगा तुम्हें ये वाला डॉग? ये बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। Hey yo, what's up fam? It's your boy Jerry. किता कैठो सारे। So यार आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, जितनी स्पेशल ये वीडियो है व्लॉग है उतना ही स्पेशल आज मैं चीज लेके आ रहा हूँ अपने घर में। चीज नहीं कहेंगे यार, लिविंग थिंग है। सर थंबनेल इतना ज्यादा स्पेशल नहीं है जितना ये व्लॉग स्पेशल है, बिकॉज यार आज घर में आ रहा है एक और फैमिली मेंबर हमारा। जैसे आप लोग सब जानते हो कि मेरे पास जफर है लैब्राडोर और मेरे पास हैरी है ब्लैक पग। सो मैं एक और डॉग, थर्ड डॉग अपने घर में एंट्री करवाने के मूड में हूँ आज। और यार इस डॉग की खासियत यह है कि यार ये डॉग बहुत लॉयल रहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतने ज़्यादा कि आप लगा लो कि मर जाएंगे और मार देंगे वाली बात होती है इनके अंदर। ये डॉग पुलिस मिलिट्री हर जगह यूज़ किए जाते हैं। और भाई साहब मेरे को मतलब मैं उसको कल देख के आ चुका हूँ, बस आज लेने जाना है। जहाँ से लेके आना है उसको वहाँ पे आज हम जाएंगे, उस डॉग को लेंगे, उसके साथ में छोटी मोटी परचेजिंग भी करेंगे, शॉपिंग लाइक फीड हो गई और ट्रीट्स हो गई, ये चीज़ें हो गई। और यार आप लोग आगे उसकी कई वीडियोस देखोगे जिसके अंदर मैं आपको उसकी जर्नी दिखाऊंगा। सो फिलहाल मैं लेने जा रहा हूँ उसको, और वो फिलहाल 3 मंथ्स का हो चुका है। मैंने पप्पी नहीं लिया, मैंने 3 मंथ्स का लिया है, इसका रीज़न भी मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगा। सो यार ज़्यादा ना बोलते हुए यार मतलब मैं वेट नहीं कर पा रहा, फटाफट चलते हैं यार अपने बब्बर शेर को लेने। सो यार इसका आज एक और मेट आने वाला है, इसको खेलने का मजा ना आया। आज नहा के बैठा हुआ है देखो मजे में गर्मी के अंदर, इसने अपने मुंह में अपनी फेवरेट बॉल डाली हुई है। सो फिलहाल चलते हैं यार सीधा लेने उसको। सो भाई साहब फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ से डॉग लेना। देखो बार बार शेर लग रहा है, ओ यार ये देखो ऐसे ऐसे शेर लगे हुए हैं ना। सो हमारे साथ मेरा भाई है अमित। अमित हेलो कर दिया एक बार पब्लिक को। हेलो। सो ये भाई है जो मेरे साथ यहाँ पे डॉग लेने के लिए आए हैं, और ये देखेंगे और सारा रेडी है। और ये ओ भाई साहब धन लक्ष्मी यंत्र भी हम अपने साथ लेके आए हैं, इसके बिना तो कुछ होता नहीं है। सो अब अंदर चलते हैं और देखते। सो यार ये है बेसिकली शॉप जहाँ से डॉग लेने आए हैं, और यहाँ पे अंदर ही डॉग है। भाई तो चला गया अमित, और ये सारी पेट शॉप है प्रॉपर। और ये खड़ा वो शेर जिसको लेने आए हैं हम बेसिकली आज। ये फिलहाल गर्मी में हमारी कितनी देर से वेट कर रहा है भाई? ये हमारी फिलहाल टू आवर्स हो गया भाई इसको 2 घंटे हो गया हमारी वेट करते हुए बेचारे को, देखो तभी थका पड़ा है। और फिलहाल भाई आपका नाम क्या, एक बार पब्लिक को हेलो कर दो सारा। बात कर रहा हूँ हेलो। सो फिलहाल यार इसको लेने आए थे और इसको अब लेके जाएंगे, और फिर घर वालों का फैमिली रिएक्शन भी देखना है, फैमिली वालों का कि क्या रिएक्शन होता है इसको देख के। बिकॉज उनको ये है कि शायद मैं 1 मंथ का पप्पी लेकर आ रहा हूँ, पर ये 3 महीने का आधा शेर तैयार हो चुका है। सो इसके लिए यहाँ से शॉपिंग भी करेंगे, जो बैलेट्स या फिर ट्रीट्स लेनी है हमें, और फीड भी लेनी है। यार गर्मी हो रखी थी तो यहाँ पे एसी नहीं है पेट शॉप में, सो उसको फिलहाल गाड़ी में बिठा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बाबूजी गाड़ी में बैठे हैं आराम से, और हम ये बैठा देखो गाड़ी के अंदर वो, इसको हमने एसी में बिठा दिया और बांध दिया ताकि ये हुड़दंग ना मचाए। बहुत प्यारा है यार ये छोटा सा। सो उसको घर जाके प्रॉपर दिखाऊंगा, फिलहाल इसकी पेमेंट करते हैं अंदर और इसकी फीड लेते हैं, ट्रीट्स लेते हैं सामने भाई से। पंडित जी आ गए गाड़ी में, सो अब चलते हैं सीधा एक पेट शॉप पे इसकी एक्सेसरी लेने, जहाँ से सारी एक्सेसरी अवेलेबल हो जाएगी हमें। सो यार फाइनली आ चुके हैं पेट शॉप पे, यहाँ पे इधर डॉग क्लिनिक भी है, और यहाँ पे आए हैं अपने शेर के लिए फीड लेने और आइटम्स लेने के लिए आए हैं, एक और बैग लेना है। सो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, और मेन हम भूल गए भाई को बताना, ये भैया का नाम है मिस्टर राकेश, राजेश शर्मा। सो एक बार हेलो कर दो एक बार आप सारी ऑडियंस को। हेलो हाय। सो यहाँ से भैया से ही मैं ऑलरेडी फीड लेता हूँ, मुझे साल 1.5 साल उससे भी ज़्यादा हो चुका है, जब मेरा छोटा सा जफर आया था तब से यहीं से जा रही है फीड। आप देख सकते हो कितना स्टॉक है यहाँ पे। सो फीड हर तरह की है, डॉग की, पप्पी की, लार्ज की, और इवन साथ में कैट्स की भी है यहाँ पे।
सारा सामान ले रहा हूँ जो जो मुझे चाहिए, और उसके बाद बाहर खड़ी है कार और चलते हैं सीधा घर पे, और वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि फाइनली मैं अपने डॉग के लिए लाया क्या क्या हूँ। सो यार फाइनली आ चुके हैं घर पे और होम टाउन में अपनी कॉलोनी में, और ये भाई के पास इसका ये बैग पूरा बना है, ये सामान और गाड़ी के अंदर भी है, और ये है अपना शेर जो फिलहाल ये घर पे जाने की तैयारी में है। देखो मतलब ओए होए। सो यार ये मेरे साथ ज़्यादा चिपक रहा है, इसको पता नहीं क्या प्यार पड़ा है। वो देखो अपना जफर भूंका यार पूरा, ओए इधर से ये भी भोंक रहा है उधर से वो भी भोंक रहा है, भाई साहब कंपटीशन चलने वाला है इन दोनों का आपस में। सो आशिमा आइयो। सो यार ये जफर को देख रहा है और ये देखो जफर इसको देख रहा है, भाई साहब ये दो अलग अलग डिफरेंट ब्रीड और इनका कंपटीशन चलने वाला है। सही बात है ना पंडित जी, ये दोनों ही आपस में टॉप क्लास ब्रीड्स हैं। ओए जफर नो अंदर ले आ जा, अंदर ले आ। ए जफर इधर आ, जफर नो। ओ देखो भाई साहब ये टेस्टिंग चल रही है जफर की इसके साथ, अंदर ले आ इसको, आ जा। ये देखो भाई जफर नहीं इसको टिकने दे रहा। ओ जफर छोटा भाई है वो। ये देखो यार ये क्या टेस्टिंग चल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पकड़ना पंडित जी, यार इनकी टेस्टिंग चल रही है आपस में। अब इसको अमित की पहचान हो गई है क्योंकि अमित आता रहता है इससे मिलने, जफर से मिलने। शनाया देख रही है अभी डॉग आया। शनाया डॉगी, वो देखो डॉगी। ओ नो 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 नो। वो देखो पीछे जा रहे हैं दोनों बिल्कुल, मतलब ये भाग रहा है इससे जफर से। सो यार इसका अब करेंगे नामकरण भी करेंगे, मैं अपनी दीदी को बुलाता हूँ। सो यार यहाँ पे दीदी शनाया को लेकर आए हैं डॉग दिखाने के लिए। ये रहा, ये देखो जफर अपना अलग लग रहा है, जफर इसके साथ ले रहा है। दीदी कैसा लगा तुम्हें ये वाला डॉग? ये पता नहीं क्या आपस में लगे हुए झोल खाने, और मतलब कैसे खुश हो रही है ये मतलब डॉग को देखकर। अच्छा लगा डॉग? बहुत अच्छा लगा ना। सो यार मैं इसकी कुछ फूड आइटम्स लेकर आया था, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ। सो यार उसकी और जफर ने ये आपस में उलझे जा रहे थे, जफर को मैंने अंदर कर दिया है, वो बाहर फिलहाल बाहर बैठा कूलर के आगे। सो मैं दिखाता हूँ कि मैं इसके लिए क्या लेके आया हूँ। अभी इसका नामकरण भी करेंगे, अगला व्लॉग शायद उसी के ऊपर हो। सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ यार ये पेडिग्री का 10 kg का बैग है। देखो हैरी स्मेल कर रहा है। सो पप्पी लार्ज का, और साथ में मैं लेकर आया हूँ ये लीवर टॉनिक है, ये है इसका कैल्शियम, और ये इसके हैं मल्टी विटामिन्स, ये एसेंशियल्स में आ गए। ये इसका ब्रश है जिससे हम इसकी हेयर कॉम्बिंग करेंगे, बिकॉज डबल कॉट जर्मन शेफर्ड है तो उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं जब वो श्रेडिंग करते हैं, अपना कोट चेंज करते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लाया हूँ मैं इसके लिए ग्लूकोजामाइन, जिससे उसकी लेग्स बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बिकॉज हमारे घरों के यार ये फर्श होते हैं सो यहाँ पर इनकी लेग्स बेंड हो जाती हैं जर्मन शेफर्ड की मोस्टली। सो उसके लिए ये लाया हूँ। ये उसकी थोड़ी च्यूबल ट्रीट्स हैं, बैठ के इसके ऊपर अपना जोर आजमाइश करेगा। और ये लाया हूँ मैं इसके लिए एक शैम्पू जो है प्रो कोट का, और एक लाया हूँ मैं इसके लिए न्यूट्री कोट जो इसकी कोट को शाइनेबल बनाएगा, और यू कैन से फ्लफी दिखेगा, ये शाइनी दिखेगा और बहुत ही साफ सुथरा सा दिखे करेगा, शाइन आया करेगी। जैसे अभी थोड़ा सा डल है बिकॉज फ़िलहाल वो अपना कोट चेंज कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें, ये हो गया, ये उसको कोट को फटाफट चेंज करने में हेल्प करेंगे। और सबसे बढ़िया ये जो इसकी फीड है पप्पी लार्ज ब्रीड, सो बहुत अच्छी फीड है ये। सो ये सारी फ़िलहाल अभी इसके लिए शॉपिंग करी है, बिकॉज ये मेहमान न्यू है तो इसके लिए सब कुछ न्यू लाना ज़रूरी था। तो यार वो बैठा है साइड में, वो
फिलहाल रेस्ट कर रहा है, इधर साइड में कूलर लगा हुआ है यहाँ पे, सो वहाँ पे रेस्ट कर रहा है फिलहाल। और सो आई होप यार ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अब आप चाहते हो कि आप इसकी जर्नी देखो, इसका नामकरण देखो, इसकी डाइट देखो, इसका फूड देखो, इसकी एक्टिविटीज़ देखो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो यार इसको लाइक किए बिना मत जाना यार प्लीज़। और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना कि ये बब्बर शेर जो ये बैठा हुआ है, ये पहलवान, ये आपको कैसा लगा। और अगर चैनल में इंटरेस्ट बनने लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।